कोऑर्डिनेट्स वन एंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर अ सर्कल आर 4, -1 इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर बी 1, -3 फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर एंड ऑफ द डायमीटर. सो दिस इज द फिगर और इस फिगर में एक एंड डायमीटर का पता है और सेंटर भी हमें पता है. अब हमें दूसरा एंड बताना है और दूसरा एंड क्या है बी और वो हमने ले लिया x एंड y उसका कोऑर्डिनेट. अब हमें x एंड y की वैल्यू बतानी है. सो देखो सिंपल सा इसमें मेथड अप्लाई होगा और वो मिड पॉइंट अप्लाई होगा. सो मिड पॉइंट क्यों अप्लाई होगा क्योंकि AO इज अ रेडियस एंड BO इज आल्सो रेडियस और एक ही सर्कल के दोनों रेडियस हैं तो दोनों क्या होंगे इक्वल. सो AO इक्वल टू BO और ये इक्वल क्यों है सो रेडियाई है ना रेडियस की वजह से ये दोनों इक्वल हैं. अब ये दोनों अगर इक्वल हैं सो यानी O इज द सेंटर और दिया भी गया है कि ये सेंटर पॉइंट है. अगर ये सेंटर पॉइंट है सो A और B में अगर हम मिड पॉइंट अप्लाई करें तो वो O को डिलीवर करेगा है ना. देखते हैं और होता है क्या फॉर्मूला क्या होता है मिड पॉइंट का. सो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2. समझ में आया क्या. अब देखो हम यहां पे अप्लाई करते हैं मिड पॉइंट. सो मिड पॉइंट हम अप्लाई किसके लिए करेंगे तो O के लिए अपने. सो O के लिए जब हम मिड पॉइंट अप्लाई करेंगे सो ये बन जाएगा 4 प्लस x अपॉन 2 क्योंकि ये हो जाएगा अपना x1 और ये हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा अपना x2 और ये हो जाएगा y2. समझ में आया. सो x1 प्लस x2 एंड कॉमा y1 प्लस y2 यानी -1 एंड प्लस y एंड अपॉन 2 ओके. और y जो O है पॉइंट इसका कोऑर्डिनेट आपको पता है और वो है O कॉमा 1, -3. अब रख दें हम इसकी जगह सो 1, -3 ओके. अब 1 को इसके साथ रिलेट करो और इसको इसके साथ y को y के टर्म के साथ है ना. ये अपसीसा होता है तो अपसीसा अपसीसा एंड ऑर्डिनेट ऑर्डिनेट क्लियर. सो 1 इक्वल टू 4 प्लस x अपॉन 2 सो 2 अंजा 2 एंड 4 इधर आया सो -4 और इधर x बचा सो कितना मिल गया हमें -2 x की वैल्यू -2. अब ऐसे ही हम दूसरे में भी कर सकते हैं. सो -3 इक्वल टू -1 प्लस y अपॉन 2 सो 2 3 6 एंड 1 इधर आया सो +1 एंड इक्वल टू y और ये कितना मिल गया अपने को -5 एंड y की वैल्यू कितनी हो गई -5. तो x एंड y आपका निकल करके आ गया. सो b जो पॉइंट है वो x एंड y है और x एंड y हम लिख सकते हैं x है अपना -2 और y है -5 ओके.